बुआ। अरे मेरे चिन्नू मुन्नू। बुआ 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 बच्चों खेलेंगे कुइया में ढक्के लेंगे कुइया में मैसा मोटी का तमाशा। बस बस हम जाओ साथ ले लो मेरे बच्चों। बुआ हमारा तुमसे मिलने को ना बहुत ज्यादा दिल कर रहा था तो हम चले आए एकदम। अरे मेरे चुन्नू मुन्नू मुझे फोन तो कर देते मैं खाने पीने का इंतजाम कर लेती। अरे बुआ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो अब तो हम यहाँ पूरे 2 महीने रुकेंगे खूब सेवा पानी करियो तुम हमारी। छुट्टी पड़ गई हमारी 2 महीने की। कोई बात ना बेटा 2 महीने ना 2 साल रहो तुम मेरे घर ठीक है। और वो फूफा कहाँ है? तेरे फूफा वो सो रहे भाजी के। चलो चलो चल मिलेंगे फूफा से। जान से मार दूंगा तुम्हें। हे भगवान तुम्हें बिल्कुल भी तमीज ना आई क्या मेरे भतीजे को मार रहे हो? देख तो वो इतने संस्कारी है तुम्हारे पैर पूज रहे हैं बदतमीज कहीं गए। अरे मेरी सास की ऐसे संस्कारों को मैं क्या करूंगा और टांगे फाड़ी होती मैंने मेरी मैं टांगे में चिर रही है आशीर्वाद ले रहे हैं तुमसे। सालों को जान संभाल तुमको बता रहा हूं लेने आता नहीं। चलो बच्चे तुम अंदर चलो नाश्ता करियो इनके मुंह मत लगो। नाश्ता करवाएगी इन्हें? एक तो मेरे भतीजे 2 साल के बाद आए हैं और तुम पे बिल्कुल भी इज्जत ना हो रही इनकी। इज्जत करूंगा मैं इनकी पर टांगे फाड़ी होती मेरे चिर लग के बीच में ताकि आगे और अब तुम्हारे तो बड़े चिर लग रहे हैं। आज का जमाना ऐसा है बच्चों की इज्जत करोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी ना तुम्हें कोई इज्जत ना करे समझ गए? अरे बस ऐसी जितना चाहिए मुझे तो निकले हाथों भी। तुम्हारी बहन के बच्चों की तरह ना मेरे भतीजे जिनसे इज्जत करनी भी ना आती है आ जा मैं बस। मैं ये कह रही हूँ बेटा और किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना मुझे तो कर दे। फूल बांट दो बुआ फूल बांट दो। जाओ पहले मेरे भतीजों को खा पी लेने दे। फिर कर दो थोड़ी सी पहले बेटा इसे तो खत्म कर ले। हाँ इसे यहाँ रख दो यहाँ रख दो इसे। अरे मुझे तो दे दो भाई। तो पानी ला दो फूफा को पानी। पहले मेरे भतीजों को खान दो इतने दिनों के बाद आए ही हैं। और हाँ एक बात और कह रही हूँ तुमसे ये जो जो कहे ना वो करते रहना तुम समझ गए? बुआ एक काम करो पनीर मंगा लो बाजार से पनीर खाएंगे हम। अरे मेरे लाल पनीर ना मैं तुम्हारे लिए मटन बनाऊंगी मटन ठीक है तुम खाओ। मैडम मुझसे कोई गलती हो गई है तो नाराजी मत रखिए मैं भी तुम्हारा फूफा ही हूँ। आराम से पी लो बेटे आराम से। बेटा थोड़ी स्मेल कर दी है मेरे इसमें थोड़ी इसमें वो पाई पाई खेलेंगे ठीक है उसे पीने के बाद ठीक है। बेटे बेटे तुम यहाँ 2 महीने के तैयार आए हो तुम 3 महीने रहो पर रहो आराम से है ही सारी ले ली तुझसे वो पता देखी सारी ले ली बैठ के खाऊंगा इसमें मैं तो रोक दे। अरे तू वो ले लिया और मंगवा दूंगा और मंगवा दूंगा यार खाऊंगा। मैं लूंगा देखियो इन्हें सारे बिस्कुट भी खा लिए देखियो भैया नमकीन ला दूंगा मैं ना मैं तो यही वाली खाऊंगा देखियो इन्हें बिस्कुट खाए जा रहे खाने में कोई ऐसा लड़ा मेरे ऊपर इतनी सारी पेप्सी के
साला जान से मार दूंगा। पापा, पापा, महीने में तुम मुझे जान से मार जाओगे। शाम को मुर्गा बनूंगा। अरे अरे भैया सालों जान से मार दूंगा। रुकने गए हैं बिल्कुल भी। बेटा तुम कहीं ना जाओगे, तुम अंदर बैठो, जाओ इन्हें तो मैं बताऊंगी। जाओ तुम। क्या है तुम, कैसे मेरे भतीजों के पीछे पड़ रहे हो? मैं उनके पीछे पड़ रहा हूँ? अरे वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं। अगर दो महीने वो रुक गए ना ताले मुझे मार के जाएंगे। अरे किसकी औलाद ताले, कंजरों की औलाद है ये तो। कंजर बता रहे हो मेरे खानदान को? तुम बहुत अच्छे हो ना। कंजर ना, कंजर से नीचे जो मेरे पलीत गलीच है ताले। नमकीन के ऊपर ऐसे लड़ रहे हो, क्या बताऊं सालों, जैसे कभी खाई ना हो। है तो बालक ही। राजू मुर्गा बनाया था ना, लग तो अच्छा रहा था, और उसमें नमक कम था थोड़ा सा। नमक कम था, मिर्चे ज्यादा थी। मेरी तो पोक चल गई यार। अब मेरी तो पैंट भी निकली होती, सन गई थोड़ी सी, मैंने तार का बाथरूम में फेंक दी। साले धोई ना तूने वो? मैंने धोई, फूफा से कहीं धो देंगे। चने बेचने वाला, ये मन कर रहा खाने का? यार पैसे तो है ना, बुआ से लिया? ना यार बुआ ना देने की यार, फूफा से मांग ला। फूफा तो ऐसे चिढ़ा अपनों से। यार कैसा करे यार, चने खाने का जी कर रहा है यार, कहाँ से खा मैं, क्या करे। oh, no. चलो अरे गमला क्यों रख लिया, गमला ना लेते हैं वो ऊपर रखे सर। गजक वाले भैया रुक जाइए। कैसे सोते रहोगे, उठो ना हो, दूध के तुम्हारे बापूजी काटेंगे जाके। 24 घंटे कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। ए चुप हो जा। फोन ना छूट जाए तुम्हारा। ओह नो। अरे बाल्टी कहाँ रख दी यहां से? ओ बसल्लो, बड़ा दुखी हूं इससे। बसल्लो क्या है, क्या शोर मचा रखा, पागल समझ रखा तुमने मुझे? अरे भैया माता रानी बाल्टी कहां यहां से? बाल्टी रात तो मैंने तुमसे धुलवा के यही रखवाई थी, मुझे क्या पता। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, यही धोकर रखी मैंने, कहां गई सारी आदत बाल्टी का है। मैं पापा तेरी बाल्टी कौन, चले खाओगे चले, बहुत मस्त आ जाओ। चले खाओगे चले। अरे बाली मेरे बालक। बुआ देख ले इसी मारा, हम तेरे घर नहीं आते, ऊपर से इज्जत करनी नहीं आती किसी की भी। सालो बाल्टी कहाँ, चने कहाँ से खा रहे हो तुम, बाल्टी कहाँ है मैं समय से लेके, तुमने बेच दी क्या बाल्टी? ऊपर कैसी बातें कर रहे हो, बाल्टी बाल्टी तो वो चोर लेके भागे चोर, हमने उनका बहुत पीछा करा लेकिन वो हाथ नहीं आए, दो आदमी से दो चोर हाथ चोर बाल्टी लेके भाग गए। सालो चोर बस बाल्टी लेके जाएंगे हैं, सारा सामान घर में पड़ा, कुछ नहीं चुरा, बाल्टी चुरी है बस। सालो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमने बाल्टी बेच के चने खाए। ये चने के खा रहे हो, मेरे बालकनी ने चोरी करी के और क्या। बाप वो देख ले चोर बचा रहे हैं, इधर तो चल रहे हैं अपन, निकल जा साले, हालत बता रही हूं, जाओ।
ये कहीं ना जाएंगे, समझ गए? तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। जब से मेरे लाल आए हैं इनके पीछे पड़ रहे हैं, कभी कंजड़ बता रहे हैं, कभी चोर बता रहे हैं। अरे मेरी सास की तुझे दिख ना रहे है? पहले मेरी टांग फाड़ दी, पेप्सी पे गिर दी मेरे ऊपर, अब तक बदबू मार रही है मेरे शरीर में से। मतलब तुम हमें नीच समझ रहे हो? मतलब तो हम इतने नीचे हो गए कि हम तुम्हारी बाल्टी बेचेंगे? नीच ना साला, तुम गलीच हो, उससे भी नीचे। वो हम जा रहे घर को इज्जत कर रहे हैं बिल्कुल भी हमारी। तेरे पप्पी के कहीं ना जाएंगे बेटा, तुम अंदर चलो, रोटी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। बस हुआ, तेरे मार रुके पड़े नहीं, हम तो भाग जाते कब के। तुम जाओ भीतर। एक बात बताओ, जब से मेरे बालक आए हैं तुम इनके पीछे ही पड़ रहे हो, कभी कंजड़ की औलाद बता रहे हो, कभी न चोर बता रहे हो। एक काम करो, दूध काढ़ लो चुप गैया के नीचे बैठ के, ना तो टांग न काट दूंगी। और बाल्टन ने ढूंढ लो कहां गई है, वो खुद नहीं दुबका दी होगी। मेरी सास की जैसी भतीजे ऐसी बुआ मेरे पल्ले गणनीति हो, नाक में दम करते सालों ने, सालों ने बाल्टी तक भेज दी यार। किस दिन मुझे भेज जाके साले, मेरी किडनी पिडनी ने भेजते कितने को। एजी एक बात कहूँ तुमसे? भौंक। मेरे जब से भतीजे आए हैं ना, मेरा बड़ा मन लग रहा है, बड़े ही घर में चहल पहल है। ऐसा मन कर रहा है इनका यहीं एडमिशन करा दूं। बस हाथ जुड़वा ले, या तो इन्हें रख ले घर में या मुझे रख ले, मैं निकल जाऊँ घर से। ये चाह रही है तू? निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। ससुरी मारूं जब सारे साले तुम नुकसान कर रहे हैं। पार्टी तक बेच दी मेरी साइकिल थी, 4 साल पुरानी साइकिल बेच दी, मोटरसाइकिल बेची आए, अब क्या बिचवाया करेगी तू? अब भी वक्त है, बता रहे हो मैंने घर भेज दे इनके, तेरी आंखें खुल रही क्या, तुझे दिखना रहे? भाई हमारे तो फूफा की आदत बहुत बड़ी बढ़िया, इनकी आदत को नहीं लगने का भाई कोई भी। फूफा देखो, मैं आज कुछ कहना चाह रहे थे तुमसे, मना मत करियो। तुम भी भोग दो, यू भोग रही से बदले तुम भी भोगो, कुतिया भोग रही कुत्ते भोगेंगे। ना फूफा मैं नू कह रहा था, हमारे इस घर में पड़े पड़े मन ना लग रहा, बोर हो गए हम। हाँ हाँ बेटा सही कह रहे हो, अब तुम घर जाओ अपने। ना ना घर ना, घर तो हम 2-3 महीने बाद जाएंगे। मैं नू कह रहा था गाड़ी की चाबी दे देते मुझे, तो मैं थोड़ा सा घूम ही आता शहर तक। साले मुंह पर लात लग गई ना, मर जाएगा। तुझे एक दिन मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल बेच आया, नू कह रहे चोर ले गए, स्कूटी थी स्कूटी बेच आया। बस करो चुप हो जाओ, अभी बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी। गाड़ी को तुम छाती पे रख कर थोड़े ले जाओगे, अब इनका मन कर रहा है तो घूम आन दो, आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो घूम आएंगे साले, पैदल घूम आएंगे, गाड़ी दूंगा इन्हें, इनके बाप दादा ने चलाई कभी गाड़ी? हे भगवान, हमने यहाँ का मतलब गाड़ी ना देखी, क्योंकि गाड़ी खड़ी है ना मेरे पीहड़ से आई है, समझ गए तुम? औकात में रहो औकात में, लल्ला ये ना देने के मैं लेके आ रही हूँ, रुक जाओ तुम। घूमते घर भी साइकिल लेके दे रखी बुड्ढे ने, उससे घूमे मार रहे हैं। अब भी कह रही हूँ औकात में रहो, नब के रहो मुझसे, लल्ला ले चाबी। वो तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया, तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया, इनकी आदत बेकार है, बहुत बुरे है ये। मैं चलाऊंगा पर गाड़ी, मैं चलाऊंगा, मैं कान पर मार दूंगा। देख ले साले कैसे लड़ ले कंजर परीतों की तैयो। अरे क्यों लड़ रहे हो ऐसे तुम? तुम्हारी वजह से मेरे पैर मोर लगी, पता नहीं क्यों मेरे भतीजे से लड़ते रहो। साली मेरा कूल्हा तोड़ दिया उन्होंने। तुमसे तो बेहतर नहीं बेकार है, मैं तो जाकर अपने भतीजों के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। हाँ पट्टी का हलवा बना खवा दे उन्हें। ताले अगर 1 महीने रुक गए मुझे शांत मार देंगे भाई ये तो। फूफा 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 बहुत मारा फूफा फूफा, जल्दी डंडे निकालो, लाठे निकालो, बंदूकें निकालो, बंदूक निकालो फूफा, बहुत मारा, हाथ तोड़ दिया मेरा फूफा। अरे लल्ला कैसे चोट लगी तुम और कैसे खूनम खान हो रहे हो? डाकू मिल गए रास्ते में, गोली मार दी पैर में, मेरा हाथ तोड़ दिया बट मार के। इतना मोटा छेद हुआ, इतना मोटा मेरी टांग में। डाकू तो डाकू, काले काले रंग के कपड़े पहन रखे और काले रंग का ना मुझको बांध रखा मुंह पे, और जय लंबी लंबी बंदूक थी, जय लंबी लंबी, कम से कम 20-25 डाकू से फूफा। बोलो मेरी गाड़ी कहाँ, मेरी कार कहाँ है? गाड़ी की तो बात चल रही है फूफा, गाड़ी छीन ली इन्होंने।
गाड़ी की पड़ रही है, ये शुक्र मनाओ कि मेरे भतीजे सही सलामत आ गए, गोली और हम पार हो गई है भगवान। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, सच सच बता दो मेरी गाड़ी कहाँ है, सारा तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया बता रहा हूँ। वो देख ले फूफा की कैसे कर रहे हैं, हमारे गोली लग गई, वो तो खोपड़ी में मार रहे हुआ गोली, वो तो हमने हाथ में लगवा ली। अरे एक तो कांटों को निकली, कांटों को गोली, वो तो बच गया, खोपड़ी में न लगी। आज तुम्हारे भतीजे ना होते, तुम्हारी सारे जेब चेक करो, जेब 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 में क्या। Oh no! दो दो हजार के इतने सारे नोट, इतने सारे पैसे तुम पे कहां से आए? साला तुमने गाड़ी बेच दी, देख मेरी दूसरी देख, पूछ इतने पैसे कहां से आए, पूछ कहां से आए लल्ला के पैसे? घर से लिए, घर से। ये तो हमारे पापा ने दिए थे हमें, किराए को दिए होंगे मेरे पापा। ससुराल की ये गाड़ी बेची है, देख कितने सारे पैसे इन पे, 1.5 लाख रुपए ले घूम रहे हैं, अब पिक्चर समझ में आ रही? चेक कर इसकी जेब, चेक कर इसकी जेब में पैसे होंगे जरूर, निकलवा जा जा मेरी कुला। अरे बाप रे, इतने अरे कालू को पापा तुम तो सही कह रहे हैं, अरे हमारा इस कालू से मैं डांट था बाप को, तुमने गाड़ी बेच दी मेरी, बाहर निकाल ले घर से। अरे बाप रे, हेलो किसे बात का पापा, देखो गोली लगी पड़ी है, गोली। अरे